गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित और मेरे साथ में है योगेश सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो देखिए, जो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं वो आप ये मान के चलिए कि आपके रेलवे के ग्रुप डी में सिलेक्शन में 100% कारगर होगा, 101% कारगर होगा। यहां पर हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे मैथ और साइंस के उन 10 टॉपिक को जो कि रेलवे में रोज पूछे जा रहे हैं। मतलब एग्जाम हुआ नहीं कि इन 10 टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर है। आप जितनी भी एनालिसिस देख लीजिए, आपको ये एक चीज मिलेगी कि इन टॉपिक से, 10 टॉपिक से प्रश्न आ ही रहे हैं। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं मैथ और साइंस सब्जेक्ट की। अगली आवाज योगेश सर की है। योगेश सर आपको बताएंगे कि साइंस के वो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिससे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ है, हम लोगों ने हर शिफ्ट पे क्वेश्चन देखे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, ये भी देखा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कौन कौन से वो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को वो 10 टॉपिक बताने जा रहा हूं जिनको आप पढ़ लेंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन आपको उन्हीं टॉपिक को मिलेंगे। भाई 5 क्वेश्चन तो इधर उधर हो जाएंगे, ये बात श्योर है, लेकिन कम से कम 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं 10 टॉपिक से मिलेंगे। जी हाँ, तो चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं उन 10 टॉपिक की कि साइंस के वो 10 टॉपिक कौन से हैं जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, अभी तक आप जितना भी एनालिसिस देखा हो, चाहे हम लोगों का देखा हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखा हो, आपने देखा होगा कि बायोलॉजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बायोलॉजी के चैप्टर ज्यादा है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब क्वेश्चन कहां कहां से आ रहा है ये मैंने आपको वो 10 टॉपिक लिख दिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नंबर पे है तुम्हारा मोशन। मोशन में चाहे वो 1 डायमेंशनल मोशन हो, आपका 2 डायमेंशनल मोशन हो, मोशन से सवाल जरूर आ रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन हो, वर्टिकल मोशन हो। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल भी बन रहा है। मैं न्यूमेरिकल वाला भी चैप्टर बता दूंगा। दूसरे नंबर पे है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से भी 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मतलब आपका मानिए कि आई बराबर आपका वी बटे आर हो गया, उसके अलावा कह सकते हो कि ओम्स लॉ पे नेट रेजिस्टेंस निकालना है ना, इसका न्यूमेरिकल भी आ रहा है, तो इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, मतलब एक बार हीलियम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी रही या किसी तरह का कोई केमिकल फॉर्मूला देकर पर्टिकुलर ऑक्सीजन की, क्रोमियम की, किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, यह भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को पहचानना भी पूछ रहा है। मिरर और लेंस, इसको तो भैया आप जितना चाहे उतना स्टार बना दो, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया। मिरर कैसे बनता है, लेंस में मिरर इमेज कैसी बनती है, मिरर में इमेज कैसी बनती है, और सबसे बड़ी बात है बच्चा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आ रहा है, 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए। सेल, सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया को लेके हो है, या फिर हमारा कह सकते हो सेल डिवीजन से लेके हो, कैसे भी क्वेश्चन हो ये सेल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। लेकिन उनमें से भी अगर मैंने देखो मिरर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया, मिरर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओम्स लॉ, आप ये 2 चैप्टर तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए ना, ठीक है, ये 5 चैप्टर हो रहा है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, पोटाश संश्लेषण, चाहे वो C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो, देखिए कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं C3 C4 प्लांट है। पोटाश संश्लेषण रिएक्शन, ऊष्मशोषी है, ऊष्मक्षेपी है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। विटामिन, भैया विटामिन के हर शिफ्ट में कोई ना कोई केमिकल नेम पूछा जा रहा है, अरे केमिकल नेम याद कर लीजिए क्योंकि पूछे जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन, इसको संतुष्ट कैसे किया जाएगा, केमिकल रिएक्शन मास कंजर्वेशन पे काम करती है, लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे आपको लगाना है, इस पर क्वेश्चन आ रहा है। और केमिकल रिएक्शन में ही पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है कि आपका एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशनल है, कैसी रिएक्शन है, ये पूछा रहा। पीरियोडिक टेबल, तीसरे नंबर पे अगर मैं कोई चैप्टर बोलूं ना कि इंपॉर्टेंट है तो आप पीरियोडिक टेबल को जरूर पढ़िएगा, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन डेली शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। वो सारे के सारे वर्ड, चाहे वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये तो वो 13 से लेके 18 वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, पहला और दूसरा वर्ड बहुत पूछा जाता है, ओके। तो इसमें और इसमें और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो धातु के लेके हो, अधातु के लेके हो, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये सारी बातें बहुत पूछी जा रही है। और बच्चा एसिड और बेस, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, अम्ल और क्षार, कि अम्ल और क्षार हमें कैसे बनाने हैं, अम्ल की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्षार की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे बड़ी बात है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल की पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, ऐसे ढेर सारे। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं अगली शिफ्टों का तो आप ये 10 टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि यही 10 टॉपिक आ रहे हैं। अब मैं बुलाता हूं अनुराग सर की। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे प्रश्नों का सिलसिला लगातार ऑन है, तो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि ये जो मैथ्स के 10 टॉपिक हैं इनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा
कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब 17, 18 और ये 22 अगस्त की तीनों शिफ्ट में, 17, 18 की तीनों शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न 22 अगस्त की। तो यहां पर मैंने पहला नंबर दिया है द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चाहे पेपर 17 अगस्त का रहा हो या 18 अगस्त का या आज का 22 अगस्त का, उनकी तीनों तीनों शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछेगा और आज की शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताऊं, नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति पे बालकों ने बताया है कि आज तीन क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से, केवल आज की पहली शिफ्ट में। आप समझिए इस चैप्टर की महत्ता। और ये चैप्टर मैंने कल ही इसके नेचर ऑफ रूट्स की एक बेहतरीन क्लास दी है, यूट्यूब पे पड़ी है, चैनल पे जाइए और देखिए। मैं बात करता हूं दूसरे टॉपिक की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन हर शिफ्ट में लगभग ये मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न बन ही रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें, जैसे लिख दिया कॉस थीटा माइनस वन, नीचे लिख दिया कॉस थीटा प्लस वन, बताइए इसका मान क्या होगा, ये किसके बराबर होगा। या इस प्रकार के जो एंगल के सम पर आधारित प्रश्न होते हैं कि कॉस थीटा बराबर, आपने ये लिखा है कॉस 45 बराबर लिख दिया यहां पर साइन थीटा प्लस 75, आपसे पूछ रहा है आगे बताइए थीटा का मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न इसमें बहुत इस वक्त बन रहे हैं। तो बहुत कठिन चीजें नहीं पूछी जा रही है, बेसिक पूछी जा रही, लेकिन पूछी जा रही। इसके बाद अगर मैं किसी तीसरे टॉपिक को कहूंगा आपको पढ़ने के लिए, तो निश्चित निश्चित तौर पर भैया अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। इसमें ये तीसरा टॉपिक है जो कि क्वेश्चन को ला ही रहा है, इससे भी प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन मिल रहा है और ये बहुत नॉर्मल यानी कि बॉडमास के नियम पर इससे प्रश्न आपको मिलते जा रहे हैं, सिंपल बॉडमास पर आपको नियम प्रश्न मिल रहा है। चौथे टॉपिक की अगर मैं बात करूं कि ये चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो वो है इंटरेस्ट। हर शिफ्ट में तकरीबन 1 क्वेश्चन मिल ही रहा है, चाहे वो साधारण ब्याज से आया हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आया हो। अब मैं इसके बाद अगर मैं किसी पांचवें टॉपिक की बात करता हूं, तो वो रहेगा आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति 2D और 3D। इन 2D और 3D में भी मैं आपको बताऊं कि जो प्रेफरेंस रह रहा है वो 2D का रह रहा है। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पता चला आयत पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया गया। 3D में आपने देखा होगा सर्किल पर आज बहुत बेहतरीन सा प्रश्न पूछ दिया, बहुत सरल, कि आपको डायमीटर रेडियस दी है, आपसे कह रहा है कि इसका आयतन बताइए। HCF LCM वो अगला टॉपिक है जिससे निश्चित तौर पर हर एक शिफ्ट में 17, 18, 22 हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछ ही रहा। उसके बाद ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भैया ध्यान से सुनिएगा, ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं सर्किल से और ट्राइंगल से। इन दोनों से बेहतरीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न मिल रहा है। और अगर बात की जाए आखिरी चैप्टर की, तो रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर की अगर मैं बात करता हूं, तो एक प्रश्न यहां पर डेली आपको मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, जिन भी बच्चों का अगली शिफ्ट में पेपर है या अगले फेजेस में पेपर है, मैं उन सब से कहना चाहूंगा कि मैथ के ये 10 महत्वपूर्ण टॉपिक आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, रिविजन कर लीजिए। इन पर मैं आपको अगली क्लासेस दूंगा, छोटे छोटे वीडियोस दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शाम के क्लासेस की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो शाम के क्लासेस की जरा बात समझ लीजिए, दोनों ही क्लासेस आपको बेहतरीन ढंग से देखनी है। एक क्लास की टाइमिंग है 3:30 से और ये क्लास है मैथ्स की, जिसमें मैं आपको इन 10 टॉपिक से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं इंपॉर्टेंट। और अगर मैं दूसरी क्लास की बात करता हूं, तो ये दूसरी क्लास है शाम को 7 से साइंस की, जो कि योगेश सर के द्वारा ली जाती है, ठीक है। तो जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक अभी सर ने आपसे डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे, उस पर सारे बेहतरीन प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। मैथ्स के जितने भी 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस क्लास के बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 3:30 पे। तो जुड़ना मत भूलिएगा 3:30 और शाम को 7 दिमाग में फीड करिए, और इन टॉपिक्स को साइंस और मैथ के पढ़ना मत भूलिए।